नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालो, डायरेक्टर मालोथ हॉस्पिटल। आज हम सीटीवी में जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि सीटीवी में कितने प्लास्टर लगने चाहिए। दोस्तों मेरे पास कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके 25 प्लास्टर, किसी के 30 प्लास्टर, किसी के 10, किसी के 15 प्लास्टर लगे रहते हैं और फिर भी पैर में वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नज़र नहीं आता है। माँ बाप भी इतने खुश नहीं होते हैं और वास्तव में वो पैर पूरी तरीके से करेक्ट नहीं हुआ होता। तो पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर आइडियली कितने प्लास्टर लगने चाहिए। दोस्तों हम पॉन्सेटी टेक्निक के द्वारा क्लब फीट में प्लास्टर लगाते हैं और एज पर देयर रिकमेंडेशन और हमारे अनुभव से 5 से 6 प्लास्टर से ज़्यादा यूजुअली नहीं लगते, एक्सेप्ट कुछ प्रकार के क्लब फीट होते हैं जिसको हम सिंड्रोमिक क्लब फीट बोलते हैं या एटिपिकल क्लब फीट बोलते हैं। वो कुछ ही ऐसे क्लब फीट की वैरायटी होती है जिसमें हमें प्लास्टर की संख्या बढ़ानी पड़ती है, अन्यथा 5 से 6 प्लास्टर एक रूटीन है और 5 से 6 प्लास्टर में ही टीनोटमी भी हो जाती है और पैर कंप्लीटली ठीक हो जाता है नॉर्मल क्लब फीट में। यदि आपके बच्चे के प्लास्टर का संख्या 6 से ज़्यादा है तो उसके मुख्य कारण जो है वो ये है कि या तो आपके प्लास्टर सही टेक्निक से लग ही नहीं रहे। उस केसेस में आपको डेफिनेटली डॉक्टर से पूछना चाहिए, उनसे आपको राय लेनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। 99% केसेस में क्लब फीट में 6 से 7 प्लास्टर से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा कारण हो सकता है आप बदल बदल के प्लास्टर लगवा रहे हैं, कभी इस डॉक्टर से लगवा रहे हैं, कभी उस डॉक्टर से लगवा रहे हैं। उस केसेस में सबकी टेक्निक अलग होती है और कुछ तरीके डिफरेंट होने की वजह से प्लास्टर का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा, आपके बच्चे को क्लब फीट सामान्य नहीं है। less than 1% केसेस में यदि आपके बच्चे को एटिपिकल क्लब फीट है या सिंड्रोमिक क्लब फीट है, उस केसेस में आपके जो बच्चा है उसको प्लास्टर का संख्या बढ़ रहा है। नंबर चौथा, अगर आप टीनोटमी नहीं कराते हैं तो ये बहुत सबसे कॉमनली जो मैंने रीजन देखा है जिसमें नंबर ऑफ प्लास्टर बढ़ जाते हैं वो है कि आप बच्चे को टीनोटमी करा ही नहीं रहे। टीनोटमी एक प्रकार का प्रोसीजर है जिसमें लास्ट में हम हील कोर्ड, जो पीछे की मसल होती है पंजे की, उसको कट करते हैं और उस कट करने के बाद वो क्लब फीट पूरी तरीके से करेक्ट माना जाता है। कई बार हमने देखा है डॉक्टर जो है वो क्लब फीट को बिना टीनोटमी के ठीक करने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती। उस केसेस में या तो नंबर ऑफ प्लास्टर बहुत बढ़ जाते हैं या फिर अन्यथा पैर एक नया शेप ले लेता है जिसको हम मिड फुट ब्रेकडाउन बोलते हैं। वो एक प्रकार का मेडिकल टर्मिनोलॉजी जिसमें पंजा जो है एक नए शेप का हो जाता है, वो सीधा होने की वजह वो बीच से टूट के और कहीं और से मुड़ जाता है। ये कंडीशन ना होने दें क्योंकि इसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। तो उस केसेस में आपको टीनोटमी से बचना नहीं चाहिए। क्लब फीट का एसेंशियल पार्ट है कि टीनोटमी करनी पड़ती है अगर ज़रूरत है तो। तो दोस्तों ये 4 रीज़न जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 5 से 6 प्लास्टर जनरली सीटीवी में नहीं लगने चाहिए। और अगर लग रहे हैं तो आप इस पर बहुत गहर विचार करें, सोचें और आप उस पर ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछें कि नंबर ऑफ प्लास्टर्स इतने ज़्यादा क्यों लग रहे हैं, बिकॉज पॉन्सेटी टेक्निक जो हम कॉमनली लगाते हैं उसमें 5 से 6 प्लास्टर से ज़्यादा नहीं लगते। यदि लग रहा है आपके बच्चे को क्लब फीट है और आप अपने ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप मेरे से वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो कंसल्टेशन के चार्जेस आपको नीचे मेंशन कर रहे हैं और हमारा जो ये एड्रेस है मालोथ हॉस्पिटल जयपुर, यहाँ पे आप हमें विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।